सो हमने दोनों ही केसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और ये जान लिया है कि किस तरफ लाइट का बेंडिंग होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट में बेंडिंग होती ही नहीं, लाइट जैसी आती है वैसी की वैसी निकल जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैं कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और आप देख ही नहीं पा रहे, तो रिफ्रैक्शन का मतलब तो लाइट को बेंड हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स लाइट अगर बेंड हो रही है तो फिर मुझे सीधी कैसे दिख रही है? लाइट अपने पाथ पे ही कैसे जाती हुई दिख रही है अगर उसमें बेंडिंग है तो? सो ये एक छोटा सा मैजिक, बहुत छोटा सा मैजिक है और समझने के लिए भी बहुत आसान है। इसको आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। बेसिकली लेट अस ट्राई टू स्टडी केस व्हेन नो रिफ्रैक्शन अकर। ऐसे केसेस देखने की कोशिश करते हैं जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। सो रिफ्रैक्शन कहां पे नहीं हो रहा होगा उस चीज को हम देखते हैं। नंबर वन केसेस व्हेन लाइट ट्रैवल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो जब लाइट किसी भी इंटरफेस पे, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला एक इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी या परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हुई पास होगी, तो उस केस में रिफ्रैक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहां रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है एंड एक्चुअल में भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। हम एक सरफेस अज्यूम करते हैं एक्स वाई। इस सरफेस पे हम मान लेते हैं कि दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू। इस सरफेस के ऊपर मीडियम वन है, नीचे मीडियम टू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, इट डजेंट मैटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन कह देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन टू कह देते हैं। लेट अस सपोज कि एक लाइट रे इस तरह से, ए ओ जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह से इस इंटरफेस पे आके स्ट्राइक करती है। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी, यहां पे हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्रिएट हो गया ओ। इट मींस अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दो मीडियम्स के इंटरफेस पे है। अब क्योंकि ये दो मीडियम के इंटरफेस पे है, इट मींस यहां पे रिफ्रैक्शन तो होना है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? जैसे ही लाइट किसी भी मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्रिएट होता है और हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो व्हाट इज ए ओ? ए ओ इज माय इंसिडेंस रे। सो वी विल राइट हियर, ए ओ इज व्हाट? इंसिडेंस रे। और अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज एम, दिस इज एन। सो इट मीन्स एम एन इज नॉर्मल। एम एन क्या होगा? एम एन इज माई नॉर्मल। अब हमने ये देखा कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है, बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर है। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे? द एंगल विल बी जीरो। बिकॉज जीरो कैसे हमने कहा? अगर लेट अस से दिस इज द नॉर्मल और इंसिडेंस रे ऐसी आती है यहां से यूं, तो हम कहते हैं कि नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। लेकिन जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाता है, वैसे वैसे नॉर्मल और इंसिडेंस रे एक दूसरे के ऊपर आती जाती है।
आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ दिस वाज द इंसिडेंस रे, अगर ऐसी होती तो इतना बड़ा एक एंगल फॉर्म होता, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके आते जा रहा हूँ वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है, जो एंगल के दो आर्म्स हैं वो पास पास आते जा रहे हैं, और फाइनली जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों पाम्स, दोनों आर्म्स ओवरलैप कर चुके हैं। दोनों आर्म्स अगर ओवरलैप कर जाएंगे किसी भी एंगल के, इट मींस एंगल का मेजर 0 डिग्री होगा। सो यहां पे आई कैन राइट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। नाउ अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट जब ऐसे परपेंडिकुलरली किसी इंटरफेस पर टकराती है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इट मींस हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है, हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कितना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लाइट में कितना रिफ्रैक्शन हुआ है। सो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो निकाल लिया, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है। कौन सा लॉ? यस, स्नेल्स लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ वी कैन से, बाय स्नेल्स लॉ वी कैन से साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू व्हाट? एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन। नाउ व्हाट इज आई? आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 0 डिग्री। सो इट मीन्स साइन 0, आई कैन राइट साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन। सो वॉट इज साइन 0? साइन 0 इज, यस इट इज अगेन 0, सो आई कैन राइट साइन आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये चीज 0 हो जाएगी, अब साइन आर को उधर ले जाइए, एन टू को नीचे डिवाइड कर दीजिए, एन वन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली यू विल गेट साइन आर इज इक्वल्स टू 0। सो इफ साइन आर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर R is also equals to 0 degrees. So it means very important conclusion कि angle of refraction भी 0 degree होगा, 0 degree होगा, मतलब light अगर इस तरह से इस mirror को strike कर, sorry इस interface को strike करती है तो बिल्कुल इसी तरह से straight निकल जाएगी। ये M है, बिल्कुल इसी तरह से लाइट रे निकल जाएगी। ओ बी, ओ बी इज व्हाट? ओ बी इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओ बी क्या है आपकी? ओ बी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सीधी कतार में निकल जाएगी। तो क्या यहाँ पे लाइट अपने पाथ से भटकी? क्या लाइट में कुछ बेंडिंग हुई? ऑब्वियसली नॉट, बेंडिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल है। स्नेल्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, जहां पे भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम इंटरफेस हो रहा है, या कहें जहां पे भी दो मीडियम का इंटरफेस है वहां पे ये चीज हमेशा एप्लीकेबल है। सो हमने ये देखा कि जब लाइट 90 डिग्री पे किसी भी इंटरफेस को स्ट्राइक करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। 0 डिग्री मीन्स 0 डिग्री, एग्जैक्ट 0 डिग्री जब 90 डिग्री पे इंसिडेंस होगी। ओके, सो इस केस में क्या रहा? इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। आई होप रिफ्रैक्शन नहीं होने का रीजन हमने समझ लिया है, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री आ गया ऑटोमेटिकली। नाउ अब हमने लिखा कि केस व्हेन नो रिफ्रैक्शन अकर, जिसमें पहला केस था कि जब लाइट जो है वो परपेंडिकुलर टू इंटरफेस ट्रेवल करे,
इंटरफेस के 90 डिग्री पे। लेकिन और भी एक केस बनता है जहां पे रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा, एंड दिस केस इज वेरी ऑब्वियस केस, यू नो दिस दैट इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन। सेकेंड केस इज वेन अगर मैं हवा में लाइट जा रही है, इस वक्त यहां पे हवा में लाइट जा रही है और मैंने एक हवा में इंटरफेस अज्यूम कर लिया, बीच में एक इंटरफेस को अज्यूम कर लिया। कैसा अज्यूम करा? मैंने मान लिया कि ये जो इंटरफेस है एक्स वाई, इस इंटरफेस के ऊपर मीडियम वन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है, और मैंने मान लिया कि इसके नीचे भी मीडियम वन ही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है। ओके, सो हमने एक इंटरफेस ऐसी हवा में मान लिया कि यहां पे ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा है, चारों तरफ हवा ही हवा, और मैंने एक इंटरफेस मान लिया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने एक इंटरफेस ऐसा अज्यूम कर लिया तो क्या यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, क्या लाइट एक मीडियम में जिसमें ट्रैवल कर रही है उसी में ट्रैवल करते करते उसमें रिफ्रैक्शन होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। व्हाई इट इज सो? हमें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि हमने ये सुना है कि तारे टिमटिमाते हैं, देयर इज अ ट्विंकलिंग इन द स्टार्स। अब तारे और अर्थ में, तारे और हमारे बीच में जो बीच का मीडियम है वो क्या है? हवा, हवा ही है, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर तारे टिमटिमाते कैसे दिखते हैं, ये एक सवाल मन में आता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि तारे टिमटिमाते हुए जो दिखते हैं वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिखते हैं। कैसे रिफ्रैक्शन दिखते हैं उसे हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करते करते रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्ट हो गई, क्या ये चीज स्टार्स की ट्विंकलिंग से रिलेटेड है? कि लाइट तो पूरे समय हवा में ही ट्रैवल कर रही थी, फिर वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ कब? रिफ्रैक्शन कैसे हो गया कि लाइट का रिफ्रैक्शन होके और तारे में ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई दिए? सो ये एक सवाल हमें, जिसका जवाब यहां से मिलेगा कि ए लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करते करते रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी शॉर्ट। सो दिस इज द सेकंड केस, सेम मीडियम, दोनों तरफ एक जैसा ही मीडियम है। हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंस होती है एट सम पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इंसिडेंस होके, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज एम एन, इज योर नॉर्मल। नाउ हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ आई कैन से एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन वन साइन आर, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन वन, इस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन और दिस इज साइन आर, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो इधर रिफ्रैक्ट होगी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नीचे, इस इंटरफेस के नीचे, इट मींस यहां पे कुछ तो एंगल फॉर्म कर रही होगी जिसको हमने नाम दे दिया आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ यहां पे आप देख सकते हैं एन वन एंड एन वन विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। नाउ ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि दो एंगल्स का साइन अगर इक्वल है मतलब दोनों एंगल्स भी इक्वल है। आई रिपीट, दो एंगल्स का साइन, दो एंगल्स कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इन दोनों एंगल का साइन भी इक्वल, साइन इक्वल है, इट मींस दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सो आई विल से, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू आर, मतलब लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंस होगी उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सो इट मींस लाइट रे बिल्कुल सीधी
इस तरह से मूव कर जाएगी. एंड दिस, सॉरी, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये दोनों एंगल बराबर होंगे और लाइट बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर जाएगी. ओके, सो हमने ये देखा कि अगर लाइट किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो जब तक मीडियम सेम है तब तक कोई रिफ्रैक्शन वहां पे नहीं होगा. जैसे ही मीडियम बदलेगा वैसे ही रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा. अब मीडियम बदलने से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये तो गर्म हवा है और ये ठंडी हवा, तो इन दोनों में मीडियम चेंज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दिस. या हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तो बर्फ है और ये पानी है. ओके, बिकॉज रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. अगर दो मीडियम्स के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है इट मीन्स वहां पे रिफ्रैक्शन होगा. अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है तो वहां कोई रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. ओके, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनी पॉसिबल रिफ्रैक्शन बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर सेम. जैसे ही सेम होगा तब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे ही बदलेगा वैसे ही रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा. ओके, सो दिस रिलेशन गिव अस की कॉज ऑफ नो रिफ्रैक्शन एंड सेम दिस रिलेशन ऑल्सो गिव अस द कॉज ऑफ नो रिफ्रैक्शन. ओके, यू कैन नोट दिस. ओके, सो हमने अभी तक रिफ्रैक्शन में बेंडिंग किस तरफ होगी ये समझ लिया, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग कब नहीं होगी इस चीज को भी समझ लिया. तो हर बार हमने ये देखा था कि जो इंटरफेस लिया वो एक सिंगल इंटरफेस लिया, एक इंटरफेस आपने माना और उस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया. नाउ अब हम ऐसी सरफेस लेते हैं जहां पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हों, जहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हो, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसा कुछ मीडियम अज्यूम करते हैं. बिल्कुल सिंपल मीडियम जो आपने डेली लाइफ में देखा है, आपने यूज किया है, आप रोज देखते भी हो, जिसे कहते हैं ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब मतलब जो पेपर वेट है, पेपर के ऊपर रखने के लिए जो वजन आप यूज करते हैं, इतना बड़ा छोटा सा, इट इज ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ होता है और काफी हैवी होता है, आपने देखा होगा. तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब उसको हम न्यूज़पेपर पे रख देते हैं तो न्यूज़पेपर पे रखने से हमें जो लेटर्स उसके नीचे होते हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, वो थोड़े से उठे हुए दिखाई देते हैं. अगेन दैट लेटर्स का ऊपर होना, दैट उसकी हाइट बढ़ जाना इज ड्यू टू
रिफ्रैक्शन। ये चीज भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब एक लाइट रे एक ग्लास स्लैब से पास होती है तो पास होने पे उसमें किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। अब दिस इज वेरी ऑब्वियस कि रिफ्रैक्शन तो होना ही है, क्यों? बिकॉज ये ग्लास का मीडियम है, इसके अंदर पूरा ग्लास ही ग्लास है और बाहर क्या है, एयर। तो एयर और ग्लास तो बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जब एयर से ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी सो इट विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है। सो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो हम देखेंगे कि वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। सो लेट अस अज्यूम अ ग्लास स्लैब। ओके, सो हम एक ग्लास स्लैब अज्यूम करते हैं, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सी डी जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर पूरी तरह से ये ग्लास है। दिस इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, पूरी तरह से ये ग्लास है और कुछ भी नहीं। अब अगर मैं सी डी की बात करूं तो सी डी क्या है, सी डी इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री है। बाउंड्री है इट मींस यहां पे ग्लास स्लैब खत्म होता है, तो ग्लास स्लैब खत्म होगा तो क्या चालू हो रहा है, एयर। सो आई कैन से सी डी जो इंटरफेस है, इट इज द इंटरफेस, जो बाउंड्री है इट इज बेसिकली द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। सिमिलरली ए बी इज अगेन द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास, सेम विथ ए डी एंड सेम विथ बी सी। तो हम मान लेते हैं कि जो ये इंटरफेस है सी डी, इसके नीचे का जो मीडियम है ग्लास, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं लेट्स से एन जी। एन जी इज व्हाट, एन जी इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं एन डब्ल्यू, सॉरी एन ए। एन ए इज व्हाट, एन ए इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि मैं इस स्लैब को पकड़ के इसके आर पार देखता हूं, कि मैं यहां से देखता हूं सीडी से, सीडी इंटरफेस के ऊपर से अगर मैं यहां से किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं, सो इट मींस एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके एओ, एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। कौन से इंटरफेस पे, सीडी इंटरफेस पे। सीडी इंटरफेस पे हमने माना कि एक लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है ग्लास स्लैब में। ओके, नाउ अब जैसे ही ये ग्लास स्लैब को यहां पे स्ट्राइक करेगी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ हमारा क्रिएट हो चुका है। इस ओ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जिसे हमने नाम दिया लेट से एन वन, जिसे हमने नाम दिया लेट से एन वन। नाउ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन पॉइंट ओ। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये एक इंटरफेस है बिटवीन एयर एंड ग्लास, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन तो होगा ही। रिफ्रैक्शन होगा लेकिन किस तरफ होगा, तो क्या ग्लास एक रेयरर मीडियम है एयर से, नहीं। अगर हम एयर और ग्लास को कंपेयर करें तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, इट मींस जो रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। क्यों, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो ठीक है, लाइट को हम ट्रेवल करवा देते हैं। कुछ इस तरह से लाइट ट्रेवल होगी, किस तरह से, ऐसा। आई विल से दिस पॉइंट इज लेट अस अज्यूम एज पी। इस पॉइंट को हम पी अज्यूम कर लेते हैं। पी पॉइंट इज व्हाट, पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन ए बी। क्या हुआ, लाइट ऐसी आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी और इस ग्लास के अंदर घुस गई। ग्लास के अंदर घुसेगी लेकिन ग्लास स्लैब जो है वो एक फाइनाइट लेंथ का है,
उसकी लेंथ एक लिमिटेड है, कोई बहुत इन्फाइनाइट तो नहीं है, बहुत बड़ा। इट मीन्स जो लाइट इसके अंदर इस तरह से घुसी है, ये कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये इंटरफेस पे सीडी पे जब टकराएगी तो रिफ्रैक्ट होके ये ए बी इंटरफेस तक पहुंच जाएगी। ऐसी आई, ऐसी रिफ्रैक्ट हुई, फाइनली अब ए बी इंटरफेस पे आ गई। लेकिन ओ से पी तक में जो मीडियम है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है। कौन सा? ग्लास का मीडियम। इट मींस यहां पे अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला। रिफ्रैक्शन तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा। लेकिन ए बी को अगर मैं देखूं तो ए बी इंटरफेस पे यहां पे ग्लास है एंड यहां पे एयर। इट मींस यहां पे अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो अब ये सोचने की बात है कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होगा। चलिए देखते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही थी। ये है लाइट का ओरिजिनल पाथ जिसको लाइट फॉलो करती। अगर ग्लास लैम्प नहीं होता तो लाइट ऐसी आ रही थी और ऐसी चली जाती। लेकिन यहां पे जो इंटरफेस क्रिएट हुआ, दिस इज, लेट्स से दिस इज नॉर्मल एन टू, हम इसे एन टू नॉर्मल मान लेते हैं। एन टू एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम नाम दे देते हैं आर वन, क्योंकि ये पहले रिफ्रैक्शन की बात है। सिमिलरली इसे भी हम नाम दे देते हैं आर टू। आर टू नाम दिया, इट्स जस्ट अजम्पशन कि हमने इसको आर टू नाम दिया। आर टू जो है वो कोई रिफ्रैक्शन एंगल नहीं है। आर टू बेसिकली एक इंसिडेंस एंगल है। क्यों इंसिडेंस एंगल है? क्योंकि ओपी जो लाइट है वो ए बी सरफेस के लिए एक इंसिडेंट रे है। ओके, सो जब ये इंसिडेंट रे पी पॉइंट पे टकरा रही है तो हम देख सकते हैं कि जो मीडियम है वो यहां पे ग्लास है, यहां पे एयर है। इट मींस ये रिफ्रैक्ट होगी किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बिकॉज लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। सो आई विल से कि दिस ओपी विल गेट रिफ्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस एंगल विल बी नोन एज ई। दिस इज द बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट हम इसे कहेंगे ई, विच इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल। नाउ अब ये सोचने की बात है, व्हाट इज दिस इमर्जेंट एंगल, कि ये इमर्जेंट वाली चीज क्या है? तो बेसिकली देखिए, इमर्ज होना मतलब क्या? इमर्ज होना मतलब कहीं से निकलना, ठीक है, कहीं से निकलना। मैं कह रहा हूं कि सूरज इमर्ज हो रहा है, सूरज कहीं से निकल रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ओके, जैसे कि पौधा इमर्ज होता है जमीन के अंदर से, बाहर आता है, निकलता है, उसी तरह से यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारी लाइट रे कौन सी थी? एओ। एओ लाइट रे इधर आई, स्ट्राइक करी, रिफ्रैक्ट हुई, अंदर गई, फिर इस पॉइंट पे आई, स्ट्राइक करी और फाइनली बाहर निकल गई। तो अल्टीमेटली एओ जो लाइट रे है ये कौन सी है? इंसिडेंस रे, या जो अंदर जा रही है। और ये पी, लेट्स से दिस इज क्यू, सो पी क्यू जो लाइट रे है, पी क्यू लाइट रे बेसिकली उस लैब से बाहर आ रही है, उस लैब से इमर्ज हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये लाइट रे पी क्यू जो भी एंगल इस लैब के साथ बना रही है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, बिकॉज इट इज इमर्जिंग आउट, दिस इज द इमर्जेंट रे। ओके, सो हम यहां पे लिख देते हैं उनसे भी टर्म्स को। सबसे पहले एओ एओ इज व्हाट? इट इज द इंसिडेंस रे। देन एओ के बाद आफ्टर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू नो दिस। आर वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सी डी। ओके, सो आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सी डी। आर वन इज व्हाट? इट इज द
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सी डी एंड व्हाट एल्स आर टू. आर टू इज व्हाट? आर टू इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिमेंबर दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए बी. आर टू कोई रिफ्रैक्शन एंगल नहीं है, आर टू इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस ए बी. ए बी सरफेस पे ये इंसिडेंस एंगल है. नाउ एंड व्हाट इज ई? ई इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए बी. और ई को हम कह सकते हैं इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों टर्म्स वैलिड हैं. सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज जो हम इस स्लैब में देख सकते हैं. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये देखते हैं कि ये लाइट रे जो जा रही थी ये ऐसी जाती जाती ऐसी सीधी निकल जाती, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट. लेकिन जैसे ही हमने स्लैब रखा इसका पाथ चेंज हो गया और अभी ऐसी जा रही है. ओके, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस. नाउ अगर ये ऐसी जा रही है तो इसमें क्या खासियत है? चलिए उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. अगेन फॉर दैट वी विल यूज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ हमें बताएगा कि जो लाइट रे निकल के बाहर जा रही है वो लाइट रे किस तरह से बिहेव कर रही है. अगर मैं सीडी इंटरफेस की बात करूं, फॉर सीडी इंटरफेस, तो यू कैन सी, तो चलिए लिखते हैं इसको. सीडी इंटरफेस, सो वी विल राइट एट सीडी. सीडी इंटरफेस पे हम क्या लिख सकते हैं? हम देख रहे हैं कि लाइट कहां से आ रही है, एनए से, मतलब एयर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई. सो आई कैन राइट एनए इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू, जा किस में रही है, स्लैब में. स्लैब में क्या है? स्लैब में एंगल जो है वो क्या है, आर वन, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन एन जी. सो आई विल राइट एन ए साइन आई इज इक्वल्स टू एन जी साइन आर वन. ओके, सो वी विल यूज दिस लाइक दिस, एन ए साइन आई अपॉन एन जी इज इक्वल्स टू साइन आर वन. This is first equation. Then at AB, ये हमने CD interface की बात की थी, ये हम AB interface की बात कर रहे हैं. AB interface पे हम देखें तो AB interface में light ray glass के अंदर से आ रही है. तो जैसे ही light ray इस point पे आएगी तो हम देख रहे हैं कि R2 जो है वो angle of incidence हो गया और medium क्या है, NG. So can I write ng into r2 sin r2 is equals to, और लाइट जा किधर रही है, एयर में जा रही है. तो एयर में एंगल कौन सा है, e. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, na. So I will write na times sin. This is the second equation. Now, if you compare this CD and AB interface, अगर हम CD और interface, AB interface को ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि ये दोनों interfaces parallel तो हैं, okay, parallel हैं. उसके बाद हमने इस पे N1 और N2 दो perpendicular draw किए, दो normal draw किए. ये दोनों normal भी क्या parallel होंगे? Yes. दो पैरेलल लाइंस पे आप परपेंडिकुलर डालो तो दो परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल होंगे ही. सो आई विल से N1 एंड N2 आर पैरेलल.
अब N1 और N2 अगर पैरेलल हैं, इट मींस जो एंगल N1OP फॉर्म कर रहा है और N2, तो ध्यान से देखा जाए तो एंगल N1OP एंड एंगल N2PO, जो दो एंगल्स फॉर्म हुए हैं N1OP एंड N2PO, ये दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। वाई इट इज सो? बिकॉज R1 एंड R2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आई कैन से कि R1 इज इक्वल्स टू R2, R1 इज इक्वल्स टू R2, रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर R1 और R2 बराबर हो गए। यहां पे भी साइन R2 की जगह मैं साइन R1 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 को हम कुछ ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, NG साइन R1 इज इक्वल टू NA साइन ऑफ एंगल E। दिस इज इक्वेशन लेट से 3। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे सो यू विल फाइंड कि साइन आर वन यहीं पे सेम है। तो मतलब इस साइन आर वन की वैल्यू ये जो है इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, आई कैन पुट इट हेयर। सो यू विल गेट एन जी ब्रैकेट NA साइन आई अपॉन NG इज इक्वल्स टू NA साइन ई। NG और NG कैंसिल हो गया और NA और NA कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट ई साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस आर इक्वल। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब जिस लाइट लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंस होगी उसी एंगल पे बाहर निकल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस ग्लास स्लैब की। रिफ्रैक्शन होने के बावजूद भी लाइट का पाथ भटकेगा नहीं, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं लाइट रे ऐसी जा रही थी, सीधी 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 निकल जाती, लेकिन हुआ क्या, बीच में ये ग्लास स्लैब है तो ऐसा थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होके और लाइट रे ऐसी गई। लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन तो वही है, लाइट की डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वहां पे कोई भी चेंज आने को नहीं दिख रहा हमें। तो फिर क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि लाइट का जो पाथ है वो बदल गया है, कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, जिसे हम कह देते हैं एक्स। कुछ एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, मतलब मैं सीधा चल रहा था लेकिन मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन बदली और ऐसा चला गया। जैसे रोड पे आपने देखा है 4 लेन रोड होती है, तो 4 लेन मीन्स 4 लेन बनी हुई है, 4 लोग ऐसे जा सकते हैं, 4 गाड़ियां ऐसे जा सकती है, तो चारों गाड़ियां चल रही है, किसी ने लेन चेंज करी, लेन चेंज करने से क्या, बीच में से ऐसे जा रहा है, ऐसा होके ऐसा चला गया। तो अल्टीमेटली डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ लेन बदल गई। लेन बदली मतलब उसका थोड़ा सा पाथ शिफ्ट हो गया, यहां की जगह यहां पे शिफ्ट हो गया, नथिंग एल्स। तो हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, या कहें इमर्जेंट रे है, ये दोनों रे पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलली ये दोनों मूव करती है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्लास स्लैब। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर ग्लास स्लैब, इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, सो यू कैन नोट दिस एंड थैंक यू।